सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। और अमेठी में क्या हिंदुस्तान हार गया क्या? ये कौन सा तर्क है? यानी कांग्रेस हारी तो देश हार गया? मतलब देश यानी कांग्रेस, कांग्रेस यानी देश? कि मुझे देश के कोने कोने में जनता जनार्दन के दर्शन करने का अवसर मिला, स्वयं जाकर के आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। लेकिन आदरणीय सभापति जी, भारत का एक परिपक्व लोकतंत्र हो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो, चुनाव अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है, उसकी ग्लोबल वैल्यू होती है। उस समय अपनी सोच की मर्यादाओं के कारण, विचारों में पनपी हुई विकृति के कारण, इतने बड़े जनादेश को हम ये कह दें कि आप तो चुनाव जीत गए लेकिन देश चुनाव हार गया। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा भारत के लोकतंत्र का अपमान नहीं हो सकता, इससे बड़ा जनता जनार्दन का अपमान नहीं हो सकता। यह एक सामान्य वाक्य नहीं है, एक गंभीर रूप से देश के लोगों को सोचने के लिए मजबूर करने वाली बात है। और जब यह बात कही जाती है कि लोकतंत्र हार गया, देश हार गया, तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्या वायनाड में हिंदुस्तान हार गया क्या? क्या रायबरेली में हिंदुस्तान हार गया क्या? क्या बहरामपुर में, तिरुवनंतपुर में हिंदुस्तान हार गया क्या? और अमेठी में क्या हिंदुस्तान हार गया क्या? ये कौन सा तर्क है? यानी कांग्रेस हारी तो देश हार गया? मतलब देश यानी कांग्रेस, कांग्रेस यानी देश? अहंकार की एक सीमा होती है, अहंकार होना ही नहीं चाहिए, सीमा का कहां सवाल है। लेकिन इस प्रकार का मैं जरा जानना चाहूंगा, 17 राज्य 55-60 साल तक देश में सरकार चलाने वाला दल 17 राज्यों में एक सीट नहीं जीत पाया, क्या हम आसानी से कह देंगे देश हार गया? मैं समझता हूं कि इस प्रकार की भाषा बोल करके हमने मतदाताओं के विवेक पर ठेस पहुंचाई है, देश के मतदाताओं को हमने कटघरे में खड़ा कर दिया। हमारी आलोचना मैं समझ सकता हूं और लोकतंत्र में वो स्वीकार्य भी है, इतना ही नहीं आलोचना सम्मानित है, लेकिन देश के मतदाताओं का इस प्रकार का अपमान बहुत पीड़ा देता है। और तब जाकर के हो सकता है मेरी वाणी में कोई आक्रोश भरे शब्द भी हो, लेकिन वो मेरे दल के लिए नहीं है, इस देश के परिपक्व लोकतंत्र के लिए है, भारत के संविधान निर्माताओं की समझदारी के लिए।